एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6th और 7th of March के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी इज अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन सी इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है, आपको ये बताना है। तो ये रिलीज की है एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इन्होंने सर्वे किया लगभग 30,000 इंडियन एडल्ट्स के ऊपर, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि 55% ऑफ द इंडियंस ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और दोनों ही एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं। फिर 10 में से 9 इंडियंस ने ये माना कि एक वाइफ को हमेशा ओबे करना चाहिए अपने हस्बैंड को, ठीक है, मतलब अपने हस्बैंड की ताबेदारी करनी चाहिए, जो उनके हस्बैंड कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 34% ने ये कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है बच्चों की वो उनकी वाइफ को देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 43% एडल्ट ने ये माना कि कमाना एक मैन के ऊपर कंपलसरी है, ठीक है, मतलब वुमेन कमाए ना कमाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैन को ये करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल इंडियंस की मेंटालिटी का इससे पता लगाया जा सकता है। सिंपली आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है, प्यू रिसर्च सेंटर की, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने अपने 175 मेंबर कंट्रीज के साथ में एक मैंडेट साइन कर लिया है, जिसके अंदर में लीगली बाइंड कर दिया गया है कि अब प्लास्टिक पॉल्यूशन को ये खत्म करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इस मैंडेट को साइन करेंगे उनके ऊपर ये मस्ट हो जाएगा कि वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने में अपना योगदान दें, ठीक है। तो इसके लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को ड्राफ्ट किया जाएगा अगले 2 सालों के अंदर अंदर, और इसको रेटिफाई भी कर देंगे। और ये जो मैंडेट है ये रिकमेंड भी करेगा बहुत सारे तरीके और मेजर्स कि किस तरह से हम प्लास्टिक प्रोडक्शन को टैकल कर सकते हैं, और जो टॉक्सिक बर्डन ऑफ प्लास्टिक इकट्ठा होता चला जा रहा है उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है जिसको हाल ही में अप्रूव किया गया है, ये कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है। आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। देखिए, इसके अलावा हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में इनॉग्रेट किया 2nd edition ऑफ रुड़की वाटर कॉन्क्लेव, कहाँ पे, IIT रुड़की में, ठीक है। तो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के साथ, और फोकस किस थीम पे किया गया, तो इस पर्टिकुलर इवेंट की थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की बात करें तो एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फाइन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में रिलीज किया है ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लैंडिंग। तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, आंसर है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर में जो भी यूनिट्स हैं उनका जो लोन असेट है उसका ओवरऑल 10% जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग टू ग्रीन फैसिलिटीज, कब से, फ्रॉम 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन साइंड। एक्चुअली 2008 में 107 स्टेट्स ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को कंक्लूड करते हुए ये कहा था कि जो क्लस्टर वेपन्स हैं उनको प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है, और इसी का नाम दिया था इन्होंने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। तो हाल ही में ये देखा गया कि रशिया ने इस ट्रीटी को तोड़ते हुए, जो इनकी वॉर चल रही है अगेंस्ट यूक्रेन, उसमें इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स का यूज़ किया, और ये ऐसे तरीके नॉन प्रेसिशन वेपन्स होते हैं जिनको डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि किसी लार्ज एरिया में बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाए, ठीक है। तो इसी वजह से न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 2008 में। ठीक, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन जिसका नाम है अग्रेशन अगेंस्ट
यूक्रेन, ठीक है, इसको सपोर्ट किया 141 नेशंस ने और पांच ऐसे नेशन थे जो कि इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो नियरली 100 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने इस रेजोल्यूशन को को-स्पॉन्सर किया। इसमें अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएस भी मौजूद थे। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसमें 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत थी। किस बात के लिए? कि जो रशिया फोर्स यूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन उसको वहीं पे स्टॉप करे, और किसी भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट के अगेंस्ट आप इस तरह से फोर्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, ये रेजोल्यूशन हाल ही में किसने अडॉप्ट किया है? आंसर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इसके अलावा जो वॉर चल रही है अभी यूक्रेन में, उसकी वजह से यूक्रेन में बहुत सारा जो आर्ट, कल्चर और मॉन्यूमेंट का वर्क है वो भी खतरे में आ गया है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट है म्यूजियम ऑफ फ्रीडम, फिर सेकेंड है ओडेसा फाइन आर्ट म्यूजियम। ये दोनों बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। और याद रखिएगा कि यूक्रेन में अभी प्रेजेंट में टोटल 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये सारी चीज़ें खतरे में हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि हाल ही में 3 मार्च 2022 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड लीडर्स में, ठीक है। किसके साथ? यूएस प्रेसिडेंट थे इसमें, जो बिडेन, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन भी थे, और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर मीटिंग किस टॉपिक पे हुई थी? जो वॉर चल रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली इम्पोज्ड इट्स लॉन्गेस्ट पावर कट सिंस 1996? तो हाल ही में श्रीलंका ने अपना सबसे बड़ा पावर कट डिक्लेयर किया सिंस 1996, और ये कितने दिन का था या कितने टाइम के लिए था? 7.5 आवर्स के लिए डेली लाइट जा रही थी, ठीक है। तो आंसर है श्रीलंका। और ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का इशू नहीं है, रादर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कंट्री के पास इतने रिजर्व्स ही नहीं है कि वो फ्यूल को इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब श्रीलंका की कुछ बातें करते हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स श्रीलंका डेवलपमेंट अपडेट, श्रीलंका इन दिनों इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा जा रही हैं, अर्निंग लॉसेस हो रहे हैं, और यहाँ पे हाई फूड इन्फ्लेशन देखा गया, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर लिए थे अपने फॉरेन और डोमेस्टिक लोन्स को पे ऑफ करने के लिए। तो एज पर द वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे जो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है फिलहाल, वो 11.7% से इंक्रीज कर गए हैं जब से COVID-19 पैंडमिक अराइज हुआ है, ठीक है। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो हमारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मूडी और फिच, इन्होंने भी सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया है श्रीलंका के लिए, ठीक है। देखिए, इसके अलावा श्रीलंका न्यूज़ में था क्योंकि श्रीलंका के पार्लियामेंट ने पास किया था 20th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस 20th अमेंडमेंट के अंदर में इन्होंने प्रेजिडेंट की पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, ना सिर्फ पावर बल्कि इम्यूनिटी भी। तो ओवरऑल इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स होती हैं उनको कट किया गया है और प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि वो ग्रांट प्रोवाइड करेंगे श्रीलंका को अपने यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और ये अपरेंटली मॉडल्ड किस पे है? आधार कार्ड पे। तो अब जो श्रीलंका है ये प्रायोरिटी देगी टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क एज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द सागर परिक्रमा प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड एट विच स्टेट? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में इनोग्रेट किया है सागर परिक्रमा को, कहाँ पे? गुजरात में। तो ये ऑर्गेनाइज किया नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ मिलके, गुजरात इंडिया कोस्ट गार्ड भी था इसमें, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया भी था और गुजरात मैरिटाइम बोर्ड भी था, ठीक है। एम क्या था? जो प्रॉब्लम्स हैं कोस्टल फिशर फोक की उसको टैकल करना, ठीक है। इसके अलावा डेफ एक्सपो 22, ये कब से कब तक होगा? 10 मार्च से लेके 13 मार्च तक, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। और एम क्या होगा? जो इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको शोकेस करना, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थीम है इस इवेंट की वो क्या है? सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और जो मेन मैसेजिंग थीम है इस इवेंट की वो है पाथ टू प्राइड, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्ट फॉर आईडेक्स, ये एक इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा ड्यूरिंग दिस डिफेंस एक्सपो 22। और इस इवेंट में
जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिक स्टार्टअप्स, वो अपनी वॉइस को पिच कर सकते हैं, मतलब जो उनके आइडियाज़ हैं उनको ये दिखा सकते हैं लाइव ऑडियंस को. और ये लाइव ऑडियंस किसकी होगी? रेप्यूटेबल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, ताकि अगर उनको स्टार्टअप का आइडिया पसंद आता है तो वो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. इसके अलावा गुजरात बहुत न्यूज़ में रहता है अपनी एक स्कीम की वजह से जिसका नाम है वतन प्रेम योजना, ठीक है. तो जो NRIs हैं गुजरात से या इंडिया से, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. फॉर एग्जांपल, क्रिएशन ऑफ आंगनवाड़ीज, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, स्कूल बनाया जाएगा, या फिर बहुत सारे जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है. बेसिकली ये अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या विलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके वहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए. फाइन. क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ सर्वेक्षण इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया फील्ड असेसमेंट फॉर 7th कंसेक्यूटिव एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है. तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है जिसको कि लॉन्च किया गया हाल ही में 1 मार्च 2022 को. किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. तो ये जो सर्वे है ये कैप्चर करता है कि क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सिटीज के अंदर ओवरऑल सैनिटेशन वर्कर्स की लाइफ को बेटर बनाने के लिए. ठीक है, इसके अलावा माई गवर्नमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इसने हाल ही में लॉन्च किया है सबका विकास महाक्विज. ये एक तरह की सीरीज है जो कब स्टार्ट हुई है? 1 मार्च 2022. तो इस क्विज में टोटल 14 एपिसोड्स रहने वाले हैं और ये पूरे साल के लिए कंटिन्यू रहेगी. क्या रहेगा इसमें? सिटीजन्स को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स. मतलब ये देखा जाएगा कि सिटीजन्स कितने ज़्यादा अवेयर हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ, ठीक है. लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अप्रूव किया है कि 7 सब स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा अंडर द अम्ब्रेला स्कीम कॉल्ड एज रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट्स, ठीक है. तो इन स्कीम्स को कंटिन्यू किया जाएगा 2021-22 से लेके 2025-26 तक, ठीक है. और एस्टिमेटेड लागत कितनी है? 1,452 करोड़ रुपीज़. तो ये जो स्कीम्स हैं इसमें रीजनेबल इनकम प्रोवाइड की जाती है उन माइग्रेंट्स को जो कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि विलेज डिफेंस ग्रुप्स को फॉर्म किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है. तो जो मेंबर्स हैं विलेज डिफेंस ग्रुप्स के, इनको डेजिग्नेट किया जाएगा एज विलेज डिफेंस गार्ड्स. तो बेसिकली 1990 में 4,125 विलेज डिफेंस कमिटीज एग्जिस्ट करती थी जम्मू कश्मीर में, और ये जो इनका नया इनिशिएटिव है इसके थ्रू जो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं उनको रेजिग्नेट किया जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं इन द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, और जम्मू कश्मीर में पीस और शांति बनी रहे इसके लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है. अब याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि इंटीग्रेट हुई है विथ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम. तो मोर देन 130 इंडस्ट्रियल सर्विसेज को ऑनलाइन बना दिया गया है और 160 अभी और इसमें ऐड होंगी, ठीक है. तो इसी के साथ जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अब अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस अप्रूवल के लिए ऑनलाइन मोड में, ठीक है. याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स करंट नोडल एजेंसी है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है. और ये जो डिपार्टमेंट है ये मेक श्योर करेगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लाई करे विद द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 और रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन 2022, ठीक है. इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की हाल ही में रिलीज की राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, और इस रिपोर्ट के अंदर में इन्होंने ये बताया कि 13 मीडिया हाउसेस ऐसे थे जिनको कि टारगेट किया गया पूरी कंट्री के अंदर, और 108 ऐसे थे जिनको अटैक किया गया, और 6 जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनकी हत्या की गई, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस रिपोर्ट से, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अटैक था वो कहाँ से था? जम्मू कश्मीर में, ठीक है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया जर्नलिस्ट को. सेकेंड पे था इसमें उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर त्रिपुरा और उसके बाद दिल्ली. तो ये 5 जगह ऐसी थी जहाँ पे जर्नलिस्ट
लीस्ट सेफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ऑपरेशन है सद्भावना, इसकी वजह से भी न्यूज़ में बना था जम्मू कश्मीर, ये लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि किस एम के लिए था, मतलब किस लिए इसको लॉन्च किया गया था? अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट पोटेंशियल केस ऑफ डियर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन? तो पहला पोटेंशियल केस डियर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन का देखा गया कैनेडा में। तो रिसर्चर्स ने लगभग 300 सैंपल्स वाइट टेल डियर के साउथ वेस्टर्न और ईस्टर्न ओंटारियो से उठाए और इसमें ये पाया गया कि 17 डियर कोविड-19 पॉजिटिव थे, ठीक है। ये कनाडा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। हाल ही में कनाडा ने ये डिसाइड किया है कि ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स इम्पोज करेंगे ऑन द लार्ज कंपनीज कनाडा में, ठीक है, जो कि अपनी सर्विसेज को कनाडा में सेल करती हैं। और इसी के साथ 3% का डिजिटल सर्विस टैक्स अब इम्पोज किया जाएगा उन कंपनीज के ऊपर जिनका टोटल रेवेन्यू कम से कम 850 मिलियन होता है और प्रॉफिट 16 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टैक्स के तहत अब ये उन मल्टीनेशनल कंपनीज को चार्ज करेंगे जो कि अपना बिजनेस तो ऑल्दो करती हैं कनाडा में, लेकिन एक लार्ज अमाउंट टैक्स का पे करती हैं यूएसए को, ठीक है। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं? फेसबुक, एप्पल और गूगल, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, कनाडा ऐसी पहली कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने कि ऑथराइज कर दिया है कि अब प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे। तो ये 2 डोज की वैक्सीन है मेडिकागो की और ये एडल्ट्स को दिया जाएगा जो कि 18 to 64 की एज में आते हैं। इसके अलावा बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कनाडा ने हाल ही में डिसाइड किया है कि ऑफिशियली बैन करेंगे कन्वर्जन थेरेपी को, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने एक बंच ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया है जो कि ये मानती हैं कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को या फिर जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर सके, ठीक है। और ये कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राज़ील, इक्वाडोर, जर्मनी और माल्टा। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड 30वीं कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने कि लीगलाइज कर दिया था सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कोऑर्डिनेट किया यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ में वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है। और ये फॉर्म हुआ था आफ्टर द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम, कब? जून 1972 में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नैरोबी, केन्या। तो यूएनईपी कमेमोरेट करेगा अपना 50th एनिवर्सरी अपने 2-डे सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली में कुछ दिनों बाद, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारी यूनियन कैबिनेट ने यह अप्रूव किया है कि अब G20 सेक्रेटरियट को सेटअप किया जाएगा ताकि जो ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन और अरेंजमेंट हैं जो कि रिक्वायर हैं हमारी G20 प्रेसिडेंसी के लिए उसको ये टैकल करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सेक्रेटरियट कब तक फंक्शन करेगा? 2024 तक। और इंडिया G20 का प्रेजिडेंट रहेगा फ्रॉम December 1, 2022 से लेकर November 30, 2023, ठीक है। और G20 की बात करें तो ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें टोटल 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आते हैं और करेंटली इटली, इंडोनेशिया और इंडिया ने G20 ट्रॉयका क्रिएट किया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं G20 से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2019 में होस्ट कौन था? इटली। फिर 2021 में होस्ट बना इंडोनेशिया। फिर 2022 में अगेन होस्ट था इंडोनेशिया। फिर 2023 में हम ले लेंगे प्रेसिडेंसी, इंडिया हो जाएगा होस्ट। और 2024 में ब्राज़ील ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉयका की बात करें तो 2020 में जापान, इटली और इंडोनेशिया ने बनाया। फिर 2021 में इटली, इंडिया और इंडोनेशिया ने बनाया। और 2022 में कौन बनाएगा? ब्राज़ील, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है। तो करंट प्रेसिडेंट कौन हो गया इसका? इंडोनेशिया। और कब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे? October 2022 तक, ठीक है। थीम क्या है इस साल की? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। उसके बाद इंडिया पहली बार प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से ले लेगा, फाइन। इसके अलावा हमने देखा था कि ब्रिक्स की चेयरशिप हाल ही में चाइना ने इंडिया से ले ली है 2022 के लिए। और आपको कमेंट्स बताना है कि इस साल की थीम क्या रहने वाली है ब्रिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हियरिंग डे 2022? तो 3rd of March को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड हियरिंग डे और इस साल की थीम है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। तो इस साल WHO बेसिकली फोकस कर रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है सेफ लिसनिंग,
हमारी गुड हियरिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 3rd of March को ही हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। और इस साल की थीम क्या है, रिकवरिंग की स्पेशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। और एम क्या है, हम इस दिन कंजर्व करते हैं सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, और हम बात करते हैं किस तरह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं फरवरी मंथ से। सबसे पहले 2nd of February को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, फिर 4th of February को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, फिर 13th of February को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, इसके बाद 20th of February को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, फिर 24th of February को होता है सेंट्रल एक्साइज डे। इस दिन बेसिकली हम जो एक्साइज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज करते हैं कि वो करप्शन की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। फिर 27th of February को होता है वर्ल्ड एनजीओ डे, और 28th of February को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, ठीक है, क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट डिस्कवर किया गया था। कौन किया था, सीवी रमन ने, और इसके लिए इनको बाद में ऑनर किया गया था बाय द नोबल प्राइज 1930 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड एज यामा बे विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हाल ही में चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है एक ओल्ड स्टोन एज का कल्चर, कहाँ पे, जियामा बे में, और ये लगभग 100 माइल दूर है बीजिंग से, ठीक है। तो इस साइट पे हमें ये पता चलता है कि जो एंशियंट होमिनिन्स थे वो यूज़ करते थे एक रेड कलर का पिगमेंट जिसका नाम था ओकरे, और क्राफ्टेड टाइनी ब्लेड लाइक टूल्स भी यूज़ करते थे स्टोन से बने हुए, ठीक है। और ये माना जा रहा है कि ये जो रिमेन्स हमें मिले हैं ये लगभग 40,000 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा चाइना ने हाल ही में बिल्ड किया था एक आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी जिसके अंडर में इन्होंने एक लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट क्रिएट किया था यूजिंग मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर चाइना न्यूज़ में था अपने आर्टिफिशियल सन की वजह से भी, क्योंकि इनके आर्टिफिशियल सन ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जिसमें इन्होंने एक लूप ऑफ प्लाज्मा को सुपर हीट किया सन के एक्चुअल टेम्परेचर से 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर के साथ, कितनी देर के लिए, मोर देन 17 मिनट्स के लिए, ठीक है। ईस्ट का नाम सुना होगा आपने, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, और इसने मेंटेन किया लगभग 158 मिलियन डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हैं 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी देर के लिए, 1056 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने फ्रांस के रिकॉर्ड को स्मैश कर दिया। फ्रांस ने रिकॉर्ड बनाया था 2003 में जिसमें इन्होंने प्लाज्मा को जलाए रखा था सिमिलर टेम्परेचर पे, कितनी देर के लिए, 390 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब ये जो रिकॉर्ड है ये चाइना के नाम हो चुका है, फाइन। इसके अलावा हमने देखा था पिछले दिनों तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने हाल ही में ये ऑर्डर दिया है अपने एक्सपर्ट्स को कि किसी भी तरह ये कोई मेथड निकालें जिससे दरवाज़ा गैस क्रेटर है जिसको हम गेटवे टू हेल भी कहते हैं, इसको एक्सटिंग्विश किया जा सके, मतलब इसमें जो फायर है उसको बुझाया जा सके, ठीक है। कैपिटल क्या है तुर्कमेनिस्तान की, अशगाबाद, और प्रेसिडेंट हैं गुर बांगुली, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू जत्सना साइनिंग ऑफ।